मेरी बात सुनो बेटा। पहले दे दी तो क्या जाता तेरा? रुको श्रवण, क्या कर रहे हो? बोलो पद्मा। सुनिए, श्रवण घर से नाराज होकर चला गया है, अभी तक वापस नहीं आया। घबराओ मत पद्मा, मैं जाकर ढूंढता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं गणपत बोल रहा हूँ। मेरे बेटे का घर में झगड़ा हुआ और वो कहीं चला गया है, उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। दीदी 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 दीदी, तुम जहाँ कहीं भी हो, ये तुम्हारी दीदी का वादा है कि जब तक तुम्हें परिवार में वापस नहीं लाऊंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। अब कुछ नहीं होगा, अगली सुनवाई में लगता है हम ये केस कोर्ट में हार जाएंगे। लेकिन पूरी सर, आखिर वो कैसे जीत जाएंगे? सर, उन्होंने फेक कागजात अपनी तरह से बनवाए हैं और घूस भी कई लोगों को दी है, इसीलिए सर। आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर वहाँ के असली हकदारों को हटाकर रिसोर्ट और कॉटेज बना दिए जाएंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? साहब, ये लोग पुश्तों से वहाँ पर जरूर रहते होंगे, पर जमीन का पट्टा ही नहीं है इनके पास। अरे भाड़ में गया तुम्हारा पट्टा, वहाँ रहने वाले जानवरों से भी पट्टा मांगोगे क्या? सर प्लीज, गुस्सा मत होइए, आपकी बात में दम तो जरूर है, पर कोर्ट तो कागज मांगता है ना सर। और उन बिल्डरों को यहाँ का अपोजिशन लीडर मणिशंकर खुलेआम सपोर्ट कर रहा है, और इसीलिए हमारे केस जीतने के चांसेस बहुत कम है सर। जब हम आए थे तब वो पहाड़ सूखा था साहब जी, उसके बाद हमने वहाँ पेड़ पौधे लगाए, अब लोग हमसे जाने के लिए कह रहे हैं, हमने अपना पूरा जिंदगी वहाँ लगा दिया, अब कहाँ जाएंगे साहब जी? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें हटा नहीं सकता, ये मैं कह रहा हूँ, जहाँ हो वहीं रहोगे तुम सब। ये केस हम ही जीतेंगे, तुम लोग निडर होकर रहो। बस आपका ही आसरा है मालिक, सब संभाल लीजिए। नमस्ते बिटिया। पंद्रह साल गुजर गए, अब तुम कैसे दिखते होगे? कैसे पहचानूंगी तुम्हें? आज के दिन पता नहीं तुम क्या करते होगे। विधायक जी, क्या हुआ इन्हें? आज श्रवण का जन्मदिन है, आज उसको घर छोड़े हुए पूरे 15 साल हो गए। बेटा पार्वती, छोटू वापस आएगा, जरूर आएगा। अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है, पता नहीं है क्या? अपने बाप का राज समझ रख, काम कैसे शुरू किया बे? सर सुनिए, केस का फैसला हमारे हाथ आने वाला है, अगर काम हम अभी शुरू नहीं करेंगे तो अगले साल तक खत्म कैसे करेंगे? ए, वो तोड़ दूंगा, चल। ए, अपना तामझाम हटा यहाँ से, ज्यादा बवाल किया तो। अगर नहीं किया तो क्या कर लोगे? मुट्ठी भर लोगों को लाके इतना अकड़ रहे हो? अरे मेरे साथ भी लोग हैं, देख लो। उल्हास, ये सही कह रहा है क्या? माफी साहब, कितने दिन से डर के दे रहे हैं कि कब हमारा घर उजड़ जाएगा, जो भी मिलेगा हम लेकर चले जाएंगे मालिक। उल्हास, इतनी भी जल्दी क्या है? विधायक जी दिन रात तुम्हारी ही मुसीबत को सुलझाने में लगे हैं, थोड़ा तो सब्र करो। हम पर भरोसा रखो, तुम लोगों की जमीन वापस दिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। नेतागिरी नहीं, तुम्हारा ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। ए चुप, यही गाड़ दूंगा तुझे। मेरे बेटे के साथ तूने क्या किया मुझे पता है। ए, ए, क्या है ये सब? इधर ये क्या तमाशा लगा रखा है? इधर जमा होने का परमिशन लिया है क्या? परमिशन है? सर, तू मेरे को भागता हुआ दिखना चाहिए। अब क्यों मणि, तुम तो पढ़े लिखे हो ना, जानते नहीं हो केस चल रहा है कोर्ट में? इधर क्यों मेला लगा रखा है? हाँ जाओ अपना काम करो, इधर किसी ने प्रॉब्लम किया ना सबके नाम पे रिपोर्ट लिखूंगा। अंकल ये सब मैं देख लूंगा। ये कान फूट लेते का है, निकल। विधायक जी वो आ गया है, अब टेंशन ना ले, चलिए चलते हैं। लास्ट वार्निंग, इनका हक छीनने की कोशिश की तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्यों, तुम इनके बाप हो? हाँ हूं ना, बाप भी हूँ और इनका रहनुमा भी। वाह, जानता हूँ कैसे बाप हो तुम, जो एक नालायक बेटे का बाप हो वो इन सबका बाप बनेगा। सुन लो गांव वालों, इनका बेटा कहाँ है? भाग गया ना? और हाँ, शादी के लायक इनकी बेटी है, शादी हुई क्या? नहीं हुई। मैं बताऊं क्यों?
अरे जाना, छोड़ो अपना घर छोड़ो, फिर इनकी फिक्र का इसकी औकात दिखा के रहूंगा। जिस तरह तूने मेरे बेटे को बर्बाद किया उस तरह इन गांव वालों को बर्बाद नहीं होने दूंगा, बस और नहीं। अंकल मैंने कहा था ना मैं संभाल लूंगा, आप निकलिए, हमसे बात करने लायक नहीं है, इनको लेके जाओ। हेलो। हाँ भाई। अरे पद्मा कहाँ? हेलो सर। नमस्कार, आइए इस तरफ। पिछले कई सालों से आप अपने खोए हुए बेटे की डिटेल मुझे भेजते थे, उसीलिए बुलाया है। शायद 7 साल बाद हमारी मुलाकात हुई है ना? हाँ हाँ। हम कहीं पूछताछ के लिए गए थे तो आपके बेटे का सुराग मिला। आपने बताया था कि उसे गायब हुए 15 साल हो गए। हाँ बिल्कुल। वैसे अभी कहाँ है? सब बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको उसके बारे में बहुत कुछ जानना होगा। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं विकी हूँ आपका गाइड। हम फोर्ट अगुड़ा में हैं, इसे 1606 में पोर्चुगीज ने बनवाया। ये एक पानी की टंकी है, दाईं तरफ मांडवी नदी है और पीछे है अरेबियन सी। इसके दो पार्ट हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर पानी की टंकी और नीचे नाविक रहते थे। आप उनका फोटो मत ले। गाइड है वो? सिर्फ गाइड मत समझना। फ्रॉड बहुत मिलता है इधर। व्हाट? Lot of cheating people, your good hotel, cheap price, I get you, I take no commission. Oh, okay. अरे बच्चा लोग को लुटता है, तुझे क्या लेना? ए तेरी तो अब उन पे हाथ उठाएगा। अरे छोड़ेगा नहीं, देखेगा अच्छे के माफी काटेगा तेरे को। बच्चा भाई खाता छोड़ो ना, इसको देखा बाद में तेरे को याद रखना। ए फिर देख गया तो टंगड़ी कबाब बना डालेगा। आजा आजा। ओए बाकी सब किधर है? अंदर है। आजा आजा, डरने का नहीं। ओए क्या कर रहे तुम बच्चा लोग? बच्चों आज से ये तुम्हारा घर है, तुम लोग इधर ही रहेगा। ठीक है भैया। कुछ हम भी के साथ खेल सकते हैं? चलो चलो ठीक है आजा। ये तो क्या? सॉरी आई कीप यू वेटिंग। नो 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 दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये कैसी जगह है? It's like an orphanage? No, no. This is my house. Oh, nice. मैं भी इन्हीं बच्चे लोग की तरह orphan है। Oh. I make money for these kids only. So sweet. Please accept this for the children. No, 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 no. No, I can't take this. To. No, no. I no, insist. No, please, please. For the children. You're a nice person with a good heart. Okay. Come, I'll drop you. No, no, no. That's okay. We can manage. Sure? Yeah, sure. We'll see you later. Okay. Bye. Bye. Come, let's go. Bye. क्या मांगता है? रुपया मांगता है। ये डॉलर है बे। तो डॉलर भी इसका है। अबे चिल्लर के चिंदी चोर, डॉलर मांगते हो? तुम लोगों को मैं सोना दूंगा झलफुट। ए विक्की गरीब का पैसा हजम नहीं होएगा। बे गंडे डायलॉग मारता है, आज मांग तू चिकन मटन, निकल चल। बच्चों के पैसे मारता है, शर्म नहीं आती तुझे? ये टी शर्ट नहीं ली थी मैंने, क्या हाल किया इसका, पूरी पूरी फाड़ दी। अब उनके साथ नौटंकी करता, चल ले जा। देख कई बार पहले बोल चुका हूँ तुझे, हल्का मार मैं भाग जाऊंगा। अभी पेट दुखता है। देख दोस्त, जो कैरेक्टर करने का वो लगने का। वो फॉरेनर है, अपन के माफिक नहीं है वो। फील नहीं तो पैसा नहीं। अबे वो सब छोड़, आज रात भी बासी फेनी और सूखी मच्छी है क्या?
हेलो, किसका फोन था? ओए फिरंग, बुला रही है। इधर तो मछली खुद चारा डाल रही है। ठीक है, सुन। मिस्टर जमीर की आवाज आ गया। सोच रहा था तू है किधर। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, क्लाइंट के साथ इमोशनली अटैच होना ठीक नहीं है। ब्रो, ये मेरी क्लाइंट नहीं है ब्रो, माय फैन। सुन, औरतों पर भरोसा मत कर, ऐसा फंसेगा कि निकल नहीं पाएगा। आकाज मत कर कुछ भी, इतने आराम से पड़ी हुई है, क्या बिगाड़ी मेरा? तू क्यों चलता है बे? सुधरेगा नहीं तू, तू पक्का जेल जाएगा। बहुत हो गया, अब मैं नहीं सुनेगा तेरा। मेरे को जाने का है, तू निकल। तू जा ना। बोला ना, निकलता क्या? Hey, catch him! Okay, okay, sir. Hey, कौन है? अजी सुनते हो कोई अंदर घुस गया है? Sorry, आंटी। रुक। अरे यार छोड़ना। कहाँ जाएगा भाग क्या? क्यों बे? पुलिस को भी येड़ा बना के पेड़ा खिलाना चाहता है? हैं? माँ। पापा, मैं कहूँ? सर पे चोट लगने की वजह से इनकी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। क्या वो सच बोल रहा है या फिर उसका कोई दूसरा प्लान है, इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया है। आपने क्या नाम बताया उसका? हर केस में उसका अलग ही नाम है। विकी, गुरु, अर्जुन, माइकल और भी बहुत हैं। क्या वो इतना बड़ा क्रिमिनल है? यही हमारा श्रवण है, सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। सर, जरा एक मिनट। विधायक जी, आप मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा, जल्दी मत कीजिए। पुलिस की बात मानिए, ये फ्रॉड किस्म का लड़का है, कहीं फंस ना जाए। सही कह रहे हैं, ये बहुत डेंजरस है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसका डीएनए टेस्ट करा ले तो कंफर्म हो जाएगा। देखिए, आपको जो टेस्ट करवाने करवाइए। अरे, एक बाप अपने बेटे को नहीं पहचानेगा क्या? मुझे पूरा यकीन है ये मेरा बेटा है, मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। आपको जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है करवा लीजिए प्लीज।
रहे हैं। छोटे सरकार आ गए। छोटे साहब आ गए। देखो तो कौन आया है। नमस्ते सरकार। को देख ऐसे अकेला छोड़कर अरे बहुत खुशी। बेटा आओ ना। छोटे आइए छोटे सरकार। छोटे सरकार आओ बेटा आओ। देखो बेटा ये है हमारा घर तुम्हारा घर। और बेटा देखो वो है तुम्हारी माँ। अच्छा तो अब पद्मा इसका स्वागत करो। अंदर आओ बेटा। आ जाओ बेटा। अरे आओ ना सब लोग आ जाओ। अरे करण बाहर क्या कर रहे हो। आओ ना अंदर। अरे बेटा देखो करण आया है। कैसा है मेरे यार। अबे क्या हुआ मुझे पहचाना नहीं क्या। इतने साल हो गए। अरे ये तेरा क्लासमेट था। अरे करण बहुत बड़ा इंस्पेक्टर बन गया है। कैसे हो अंकल। सब लोग दिख रहे हैं पर ये दीदी कहाँ है। पार्वती को तुम जानते ही हो बेटा। वो अभी भी इससे नाराज है कि ये बचपन में घर छोड़कर क्यों चला। ओ, अच्छा दीदी से मिलेगा तो ठीक हो जाएगा। अंकल एसपी ऑफिस से फोन आया मैं जरा अभी। हाँ ठीक है श्रवण। अरे खाना खा के जाना तुम लोग। अब इससे निपटो। कहाँ घुसे जा रहे हो। टीचर के पास। भूल जाओ जब तक क्लास चल रही है अंदर कोई नहीं जा सकता। जब तक सुसु की बेल ना बजाओ तब तक यही रुको। तो सुसु की बेल कब बजाओगे। जब तक मुझे सुसु ना आए। अबे ओए उसको बोलो उसका भाई मिलने आया। ओ ये उसका छोटा भाई है। तब तक ये उनसे बिल्कुल नहीं मिल सकता क्योंकि मिस ने आपको अंदर आने से स्ट्रिक्टली मना किया है। चलो अब निकलो यहाँ से। अच्छा छोटा बम आवाज बड़ी। अरे हट थोड़ा रुकिए ना आप तो उसे जानते ही हैं। टाइम देने पर सब ठीक हो जाता है। श्रवण बेटा यह है तुम्हारा रूम याद है कि नहीं। और वो रहा तुम्हारा म्यूजिक सिस्टम याद है इसके लिए कितनी जिद की थी। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी बहन ने इस रूम को कितना साफ करके रखा है। उसकी बात को दिल पे मत लेना वो तुमसे बहुत ही। अरे रे इसको थोड़ा आराम तो कर लेने दीजिए। बेटा तू नहा धो ले मैंने गीजर तेरे लिए चालू करके रखा मम्मी है। का ज्ञान और हाँ तौलिया वहीं पर रखा है मैंने देख लेना। चलो मिलते हैं। अबे ओए क्या बे कैसा चल रहा है मेरा एक्टिंग देखा नहीं। चुटकी में सबको पटा लिया। अगर करण जोहर अपन को साइन किया ना तो सुपर हिट हो जाएगा। बकवास। मतलब दीदी को नोटिस किया उसने तुझे घास नहीं डाली। लगता है यहाँ उसी की चलती है। उसे यकीन दिला। वैसे पहली बार तू काम की बात बोला है मैं मानता है। क्या बे पुलिस वालों के साथ तेरा बड़ा याराना लगता है। यहाँ पर भी एक है जो रोज रोज तेरी बजाएगा। ब्रो यार कभी तो अच्छी बात किया कर हमेशा नेगेटिव बोलता रहता है। तेरे पास सिर्फ एक छोटा सा सुराग है। कब तक विकी श्रवण बनकर आएगा। हाँ तो जो 15 साल पहले गायब हो गया उसे मैं कैसे जान सकता हूँ। अबे लुखे ये उसी का कमरा है जा काम पे लग जा। हाँ यार स्मॉल साइज वो मेरा जैसा नहीं था दुबला था। माइकल जैक्सन का फैन मेरे माफिक डांसर। बेकार इसमें क्या है। अमीर छोकरे का लव लेटर संजना। पार्टी की प्रेमिका है। भगोड़े की भी एक छावी थी अपुन तो फोकट है। उसकी हैसियत थी तो रखे हुआ था। तू अपना काम करना
इसका तो पासिंग मार्क्स भी नहीं है, पार्टी मस्ती खोर लगते है। और कुछ नहीं मिल रहा, लगता है छोकरा फालतू था। यह तो कुछ नहीं है, अब तेरा क्या होगा, अपुन कर भी क्या सकता है, बस चुपचाप सबकी बात सुनेगा। इतने साल से नहीं मिला है तो वो इच्छ लोग याद दिलाएगा, उनके लिए वो इमोशन है, मेरे लिए इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपुन एक्टिंग करेगा। कितने दिन करेगा ये? अरे जाने दे, ज्यादा नहीं चलेगा नाटक, मोटा माल लेके अपन इधर से खिसक लेगा। इतना आसान समझता है? तेरे सामने दो प्रॉब्लम है, एक वो शक की पुलिस वाला, दूसरी वो डायन तेरी बहन, तुझे उन दोनों को संभालना होगा। ये इतना इजी होता तो अपुन इधर होता क्या? अगर उन दोनों से नहीं कपुलवाया कि मैं श्रवण हूं तो अपुन का नाम भी श्रवण नहीं। ओ बेवकूफ, तू विक्की है। हाँ ठीक है। ये मेरे को कहीं को घूर रही है, कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली। माजी, माजी, आप इधर कैसे आ गई? दादी है तेरी? दादी जिंदा है? मुझे लगा वो नहीं रही। माजी, इसको पहचाना आपने? आपका पोता है श्रवण। हाँ दादी, ऐसे कैसे हो गई? माजी को लकवा मार गया है। हाँ? अब ये बोल भी नहीं पाती। बढ़िया। और सुन भी नहीं पाती है। और भी बढ़िया। ये सब कब हुआ? ये बात फिर कभी कर लेंगे, तू जल्दी से रेडी हो जा, खाना तैयार है, आ जा। हाँ। मैं तो डर ही गया था। बस माँ, थोड़ा और खाओ ना, इतने सालों बाद तो मैं तुझे प्यार से खाना खिला पा रही हूँ। और ले। दीदी नहीं दिख रही? तू अपनी दीदी को जानता नहीं है, वो ऐसे ही तुनक मिजाज है। आप कहें तो मैं जाके बुला के लाऊं? नहीं नहीं, तू रहने दे, वो बुलाने से नहीं आएगी, जब उसकी मर्जी होगी तभी आएगी। हाँ बेटा, तुम बस अपना। पद्मा, माँ पानी पीना चाहती है। पर दादी ने तो पानी मांगा ही नहीं। ये ना बोल पाती है ना सुन पाती है, पर अपने मन की बात हमें ठीक से समझा देती है। वो कैसे समझती हैं कि हमने क्या बोला? सुन नहीं पाती पर हमारे होंठों को पढ़ लेती हैं और हमारी बात को भी ठीक से समझ जाती हैं। दादी माँ तो येड़ा बनकर पेड़ा खा रही है। क्या लगा क्या? लिखो ना, जरा मुझे पढ़ाओ ना क्या लिखा है, दिखाओ क्या लिखा है, मुझे दिखाओ ना। दादी लिखना सीख रही है, ई सबसे पहले नहीं आता, पहले आता है, उसके बाद आता है, उसके बाद ई आता है। पानी मांगता है? थोड़ा नहीं पीना? ठीक, मेरे को सोने का, बहुत थक गया। गुड नाइट। बुढ़िया को एक दिन खोपचे में लूंगा। डांस बार है ये?
दूसरों को सोना नहीं है? तेरे आने पर कुछ कहा नहीं क्योंकि यहां सब खुश थे। बहन ऐसी होती है, हिला देगी बस तो नहीं गया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमु देवु सुकारिषु सु सर्वदा ओम गण गणपते नमो नमः। लीजिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगुदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। छोटे सरकार लौट आए, अब जो भी होगा कुशल मंगल होगा। बस आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। देख रहे हो मुझे? पहचाना नहीं? अरे मैं हूँ संजना। संजना तू कितना बदल गया, कितना हट्टा कट्टा हो गया। तुझे पता है मैं एक मेडिकल कैंप में थी, जैसे ही मुझे पता चला तू यहाँ है मैं तो आ गई। पर मैंने सुना है तुझे चोट लगी है कहीं? हाँ, थोड़ी सी याददाश्त की प्रॉब्लम है। अरे टेंशन की कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, आई एम अ डॉक्टर। अच्छा, अरे हाय अंकल। डॉक्टर साहिबा आप कब आई? आज ही आई हूँ। इसने तुम्हें पहचाना कि नहीं बेटा? कहाँ पहचाना, भूल गया मुझे। तो आज रात आने वाली थी? हाँ पापा, बस सुबह की फ्लाइट मिल गई तो आ गई। आओ। अबे कहाँ जा रहा है, रुकना इधर। पर पापा बहुत सारी बातें करनी है, आओ मेरे साथ। संजना। हाँ पापा अभी आई, शाम को मिलते हैं, बाय। अभी तक तो दो मुसीबतें थी, अब ये तीसरी खोपड़ी पर आ गई। तीन फ्लोर से ज्यादा की परमिशन नहीं है, लेकिन दो फ्लोर बेसमेंट में कोपचे में बना सकते हैं। मैं पूरी बात समझ गया, हम कोई पहली बार बिल्डिंग खड़ी नहीं कर रहे, अभी इस डिस्कशन का करेक्ट टाइम नहीं है। जब तक वो अकड़ू गणपत है, इस प्रोजेक्ट का शुरू होना बहुत मुश्किल है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। सर सुप्रीम कोर्ट में ये केस अगर ऐसे खींचता रहा और गांव में रहने वाले लोग जंगल में शहद और लकड़ी बटोरने जाते रहे तो मुसीबत हो जाएगी। अगर सरकार ने वहाँ कोई आदिवासी कानून लगा दिया तो केस उनके फेवर में चला जाएगा, तब क्या करेंगे? उसी के लिए तो सोच समझ कर चलना होगा, आने वाला इलेक्शन भी हम ही जीतेंगे, एक बार इलेक्शन जीत जाए तब तुम्हारा काम करेंगे। भैया भैया गणपत का बेटा श्रवण वापस लौट आया है। श्रवण? हाँ वही। ए लुखे, क्यों भटक रहा है बाहर? कुछ नहीं। तो फिर अंदर आना। चल चीनी का डब्बा दे जरा। इसलिए बुलाया मुझे? अरे फालतू घूम रहा है, काम कर थोड़ा। अरे नमक है वो। तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली में सबको अपने टाइप की ही चाय चाहिए। अंकल को शक्कर कम, आंटी को ब्लैक टी, मेरे पापा को लाइट टी, और तुम्हारी दीदी को चाहिए डबल कड़क। हाँ भाई, मिजाज भी जबरदस्त कड़क है, घमंड है, गुस्सा है। वो मुझसे गुस्सा क्यों है? अच्छा बेटा, तो क्या करे वो, तुम तो आराम से घर छोड़कर भाग गए थे। पता है जब तुम पैदा हुए तब तुम्हारी माँ एक साल तक हॉस्पिटल में रही थी, तुम्हारे पापा राजनीति में लोगों के साथ बिजी रहते थे, तो दीदी ने तुम्हें बड़ा किया ना, तो उन्हें बुरा लगेगा कि नहीं? अगर मैं उनकी जगह होती ना तो खून कर देती तेरा। ओहो नमक फैल गया, ये तो अपशगुन हो गया। अगर पापा को पता चल गया तो जान ले लेंगे, अब क्या करूं? मैं वहां चाय लेके जाऊं? हाँ ठीक है तुम जाओ, तब तक मैं साफ कर लेती हूँ। पता नहीं कैसे गिर गया, भगवान आज कुछ बुरा मत करना प्लीज। पापा को शुगर कम चाहिए, माँ को ब्लैक टी, और संजना के पापा को लाइट टी। बहुत बढ़िया। थैंक यू। श्रवण बेटा चाय बहुत अच्छी बनी। वो तो बनेगी ना पापा, चाय की टपरी में जो काम किया। तू जो वहाँ टपोरी लैंग्वेज बोलता था वो यहाँ मत बोलना। वो यहाँ कौन समझेगा। कड़क चाय। दीदी कहाँ है? मिस, कुछ बोलूँ क्या? आपका छोटा भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। क्यों? आपका भाई ना
एक मुर्गी चोर लगता है। ए सॉरी मिस, रेस्पेक्ट नहीं दिया। आपका भाई जेंटलमैन और मुर्गी चोर है। अच्छा मिस, एक बात बताइए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो एक मुर्गी चुरा कर पुलिस से डर कर यहाँ कर छुप गया है? बदमाश कहीं के। बेटा पार्वती, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है मिस। आइए दीदी। हाँ बोलिए। तेरे छोटे भाई ने तेरे लिए प्यार से चाय बनाई है, जरा टेस्ट तो कर। डबल कड़क। बेटी पी लो। इसके ना रहने पर तू इसे कितना याद करती थी, अब सामने है, बात तो करो इससे। क्या चाहते हैं आप मुझसे? 15 साल पहले ये घर छोड़कर यहाँ से चला गया, अब अचानक कहीं से आकर मेरा भाई बन बैठा है, तो क्या मैं इसे अपनी गोद में बिठाऊं? दीदी का गुस्सा सही है अंकल, मेरे पैदा होते ही माँ साल भर के लिए हॉस्पिटल में थी, तब दीदी ने ही तो पाला था। अब मैं बिना बोले भाग गया तो दीदी का गुस्सा सही है। बकवास चाय थी। अरे श्रवण, क्यों आए हो यहाँ पर? सुना श्रवण वापस आया तो उसे मिलने नहीं मिलेगा तो चल जाए यहाँ से। नाराज मत होइए बस उसे। मैं नहीं चाहता यहाँ झगड़ा हो, चल जाए यहाँ से। झगड़ा करने नहीं आया हूँ। सुन लिया ना, चलो निकलो यहाँ से। माँ, ये कौन है? मणिशंकर, इसके बदन में कीड़े पड़े, इसका तो मैं कचूमर निकाल दूं। इसी ने तेरी जिंदगी बर्बाद की है। माँ थोड़ा साइड हटो। मणिशंकर, अरे क्यों आया यहाँ? श्रवण निकल जा से। क्या हो गया तुझे? हिम्मत कैसे हुई? अरे मैंने क्या किया? बात कर दी? हाँ क्यों मार रहा है मुझे? सुनो बेटा, अरे मेरी बात तो सुन। मारे से जा रहा है, दूर रहा मैं। अरे रोको। अरे मेरी बात सुन, क्यों जाने के लिए कह रहे? दीदी भी मुझसे बात नहीं करती। बिना मतलब अपने दोस्त को मारेगा? दोस्त नहीं दुश्मन है, तूने मुझे धोखा दिया है, चल निकल यहाँ से। अरे सुन, तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, देख लूंगा तुझे। जो करना है कर ले, निकल यहां से, दोबारा मत आना। सब मुझे घूर क्यों रहे हैं? ओवर एक्टिंग तो नहीं कर दी? चलो ये भी संभाल लूंगा। लुढ़कती हुई कहाँ चली जा रही हो? अभी तो स्कूल की घंटी भी नहीं बजी, तुम कहाँ घुसी चली जा रही हो? बाप रे, पढ़ाई को लेकर मैंने किसी बुढ़े को इतना सिंसियर नहीं देखा। तुम स्लेट छाती से लगा कर सोती हो क्या? इधर दिखा। ये श्रवण क्या लिखा इसने? किसी बात की उल्टी करनी है? ये अपने मन की बात कहने की कोशिश कर रही है, मैं इसके मन की बात पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। एनीवे, ऑल द बेस्ट। डेली दीदी कहाँ आती है पता करना था ना तुझे, देख ले यहाँ आती है। हो गया टाइम पास, चला वापस। अरे रुको ना, देखो दीदी कितनी अच्छी घुड़सवारी कर रही है। दीदी बहुत बढ़िया, सुपर। दीदी पहले जैसी नहीं रही, बदल गई है। और तूने सोचा ताली बजाने से गुस्सा चला जाएगा? बेटा हाँ, मुझे पहचाना क्या? ये दाढ़ी आपकी काफी सफेद, और आप तो बदल। बादल ही हूँ, तेरा चाचा बादल सिंह। बादल सिंह, वही बादल। अरे बादल सिंह। अरे बेटा आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं तुम्हें याद हूँ ना। आपको कैसे भूल सकता हूँ, घुड़सवारी आपने तो सिखाई थी। लगता है भूल गए, एक बार मैंने तुम्हारा घोड़ा छू लिया था तो तुमने मेरे कॉलर को पकड़कर बहुत हिलाया था, मैं उसके बारे में कह रहा था। वो क्या है कि कोई मेरा घोड़ा छुए मुझे पसंद नहीं। कैसा है बड़ी, बहुत मिस किया मैंने तुझे। बेटा वो घोड़ा तो कब का मर गया। मर गया?
क्या सेम कलर का था इसलिए कंफ्यूज हो गया। लेकिन वो तो सफेद रंग का था। सफेद था? कितने दिन हो गए ना। अरे बेटा आज इसकी सवारी करके देखो। नहीं अभी नहीं, मुझे अभी कहीं जाना है। मजा आएगा। तुम कहीं जाना चाहती थी ना? नहीं मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। अरे बिटिया ने भी कह दिया है। लगता है फिरोज खान वापस आ गए। हिलता ही नहीं है। मोहब्बत से एड़ लगाओ, चलेगा ना ये? लगता है इसे मैं पसंद नहीं हूँ, मैं नीचे उतर जाता हूँ। नीचे उतरने की कौन बात है। घुड़सवारी एलेक्स। है, ये बेकाबू हो गया। गया कौन से? ये तो होना ही था। है अरे मर गया रे। ये भी अजीब टेढ़ी लड़की है। वही कैसा लग रहा है अब? बिल्कुल वैसा ही। यहाँ किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। तो समझ में आ गया ना, सिर्फ मैं ही तेरी फिक्र करती हूँ। एक्सरे देखा मैंने, फ्रैक्चर हुआ ही नहीं, सिर्फ सूजन ही आई है। तू रुक, मैं गर्म पानी लेके आती हूँ। एक घंटे, तेरे को दिखता नहीं कि मुझे इतनी गंभीर चोट लगी है और तू मुझे बिना देखे चला जा रहा है। तुझे नहीं जानना कि मुझे क्या हुआ था? क्या हुआ? अब रहने दे, जा। तो मुझे क्यों बुलाया? तेरे साथ अच्छा ही हुआ। ए घंटी, तूने बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सीखी? Give respect, take respect. तुझे किसी ने ये बात नहीं सिखाई? देख पंगा मत ले, इस वक्त मुझे बहुत दर्द है, तू निकल ले। यहाँ पर दर्द हो रहा है? शैतान कहीं के। लो एक और आ गई। आठ साल के बच्चे से लेकर 80 साल की बुढ़िया तक सब जहरीले हैं यहाँ पे। ये अंकल आंटी कहाँ चले गए? पता नहीं। अच्छा सीधे बैठना, हिलना मत, वरना चटका लगा दूंगी। तू यहाँ है? ये चोट कैसे लग गई, क्या हो गया? घुड़सवारी के चक्कर में लग गई। तू तो घुड़सवारी का चैंपियन था यार। आदत छूट गई है। घोड़ा होता तो मैं संभाल लेता, पर वो गधा था। अरे करण। हाँ दीदी। आज बिजी हो? हाँ दीदी, वो श्रवण से भी ठीक से मिल नहीं पाया था इसलिए आज छुट्टी ले ली मैंने। चल बाहर घूम के आते हैं। नहीं बाहर कैसे जाएगा, सूजन है पैर में। हाँ तो मैं हूँ ना, जीप में ही तो जाना है। दर्द हो रहा है। देखा, दर्द हो रहा है इसे। अगर और सूजन आई ना तो इसका पैर टंगा के रखना पड़ेगा। संजना। हाँ दीदी। जरा यहाँ ना। हिलना मत, मैं अभी आई। अभी तो खुद चलेगा, ये तुझे उठा के लेकर। रहने दे, मैं कोशिश करता। यहाँ? यहीं। क्यों? चल उतर। ये कौन सी जगह है जानता है? जानता हूँ, जंगल है। रोज स्कूल की छुट्टी के बाद यहीं तो आते थे। लग तो नहीं रहा, टोटल बदल गया है। 15 साल में तो चीजें बदल ही जाती हैं। एक बार 8th क्लास में एग्जाम के बाद खराब मूड में आए थे ना यहाँ पे। मूड खराब था? हमारे एग्जाम खराब हुए थे इसलिए हमारा मूड खराब था। मैं तो फेल होने के डर से रोने लगा था। तू रो तड़ोता बच्चों की तरह रो देता था। साइंस का एग्जाम था या मैथ्स का? मैथ्स। हम दोनों की मैथ्स से पढ़ती थी। मैथ्स टीचर का नाम याद है तुझे? ये तो पीछे ही पड़ गया। वो काला सा चश्मा पहनते थे, मोटा पेट था, वही ना? वो तो फिजिक्स वाले नवीन सर थे। मैथ्स तो ज्योति मैडम पढ़ाती थी, क्या लाफे लगाती थी, भूल गया? ज्योति मिस, यादा यादा। अरे बाप रे, क्या पिटाई करती थी। तू तो एग्जाम में फेल होने के डर से ट्रेन पकड़ के मुंबई भागना चाहता था, मैंने ही तो रोका था तुझे। यार मैं तो बचपन से ही ट्रेन से मुंबई जाना चाहता था, पर तुम रोक नहीं पाए। आखिर देखो मैं मुंबई तो चला ही गया। अब पुरानी बातें जाने भी दो।
ये कौन है तू? मैं हूं श्रवण। थप्पड़ क्यों मारा करण? ओए श्रवण, मुझे कभी करण के नाम से नहीं बुलाता था, मुझे वो भोंदू बुलाता था। भोंदू? मैं ही सरवन हूँ, विश्वास कर। लोग आज तक इस जगह पर कभी नहीं आए। ट्रेन की आवाज से उसे डर लगता था, बेहोश होके गिर जाता था। बोल बे, कौन है तू? नाटक मत कर, उठ। ए, ए, अबे, अबे उठ। फीलिंग बेटर? लाओ। मैंने इनकी पिछली रिपोर्ट देखी है, ये बहुत ही ज्यादा मानसिक तनाव में है। सर, किसी एमनेशिया पेशेंट को ये याद करो वो याद करके प्रेशर मत डालिए। इसे बचपन से ट्रेन की आवाज से डर था, आप शायद भूल गया हो, फिर से याद क्यों दिलाया आपने? पर डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है कि... जरा बाहर आओ। बी12 देना। सिस्टर, जूस। करण, तुम्हें हो क्या गया है? दीदी, मैं बताती हूँ। दीदी, इसे श्रवण से मेरा मिलना अच्छा नहीं लगता है। संजना, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर ये वाकई श्रवण होता तो मुझे क्या दिक्कत थी, ये पक्का कोई फ्रॉड है। दीदी, मुझे पता है कि तुम्हें हमारी फैमिली की बहुत फिक्र है, तुम्हारा उस पर शक करना लाजमी है, लेकिन जब से वो घर आया है मम्मा पापा बहुत खुश नजर आ रहे हैं। पर दीदी, उन्हें वैसे ही रहने दो। अरे मगर तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मुझे भी शक था उस पर दोनों बार उन दोनों के डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स पॉजिटिव आए थे। अब इससे बड़ा सबूत और हम क्या माने? थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कैसे पापा? उठने में दर्द के बहाने बहुत दिनों बाद तुम्हारी माँ से इश्क लड़ाने बैठा हूं। ए बुढ़िया, मेरे से कुछ खेल खेल रही है? बहुत शानी है तू, ये क्या है? हाँ? देखा, ये श्रवण नहीं है। दिन से तू ये लिख रही थी, तू खुद को क्या करमचंद की नानी समझती है? ये सच्चाई सबको बताना चाहती थी ना? तो ले, मैं सच्चाई को मिटा देता हूं। अब सुन, स्कूल के बच्चों की तरह अगर तू ये स्लेट गंदा करेगी ना, तो ये जो व्हीलचेयर है ना, खाली हो जाएगी। नमस्ते सर, सब मजे में? इतना अर्जेंटली बुलाया, क्या बात है सर? यहाँ आया हुआ था, सोचा मिलता चलो। अबे चिंदी चोर, अब तू श्रवण है यार। चल इधर आ। सर वो पुरानी आदत है इसलिए। पापा जी ने दिए। लगता है बुड्ढा अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। तू भी मजे ले रहा है? कैसा मजा सर, खाने में मिर्च और नमक बहुत कम है, दारू भी बंद है। यहाँ ले ले। अरे नहीं नहीं, रिस्पेक्ट दे रहा है। अच्छा, दो हफ्ते पहले फोन किया था तुझे, फोन क्यों नहीं उठाया? बहुत बिजी था। आप तो मेरी हालत जानते हैं, सोते जागते एक्टिंग ही करनी पड़ती है। वो मुझे अपना रहे हैं, आप इतने उतावले मत होइए। मैं उतावला हो रहा हूँ? अपनी एक्टिंग से सबको उल्लू बनाना तेरे लिए नया है क्या? सर ये बताइए ना, अभी भी बहुत से केस हैं जिनमें मेरा नाम है, वो आप कब निकालेंगे सर? तुझे बस हर वक्त अपनी फिक्र है, मेरे बारे में भी सोचता है क्या? जैसे होगा दे दूंगा सर, वो विश्वास करने लगे हैं अब। अगर अभी हमने कुछ किया तो 40-50 लाख ही मिलेगा, इतने में आजकल क्या होता है सर? गणपत की इकलौती लड़की है, वो उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। जैसे ही उसकी शादी होगी सारी जायदाद मेरी, तब 50-50 कर लेंगे। भरोसा कैसे करूं, तुम फ्रॉड हो।
खुद किसी लड़के को तैयार करके उसकी शादी करा दो। काम भी जल्दी हो जाएगा, जायदाद भी तुम्हारी हो जाएगी और मैं भी छूट जाऊंगा। सर मेरा टाइम हो रहा है सर, पापा के पार्टी ऑफिस पहुंचना है। यू डोंट वरी सर, थोड़ा सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मिलते हैं। ए चैप्टर, हाँ ये प्लान बी प्लान सी नहीं चलेगा। यहाँ के इंस्पेक्टर करण को शक हो रहा है तुझ पर, तेरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, अगर ये दिखा दूं तो तेरा पैकअप। चलो ना पापा, खाना खाते हैं। रहने दो, मन नहीं है। कहाँ जा रहा है? पापा को बुलाने जा रहा हूँ। पापा अपसेट हैं, वो कह रहे हैं वो नहीं आएंगे। अरे मैं बुलाऊंगा तो आएंगे। मैं कोशिश कर चुकी हूँ। ऐसे बुलाओगे तो कौन आएगा? आप जाओ, मैं लाता हूँ। पापा चलो खाना खा ले, भूख नहीं है। चलो ना पापा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए ना, दिल हल्का हो जाएगा। क्या परेशानी है बताइए। तुम जाके खा लो, मुझे इच्छा नहीं है। आपका चेहरा देख के मैं समझ रहा हूँ आप बहुत परेशान हैं। मैं आपका बेटा हूँ, मुझे बताइए। गांव वाले बेचारे पहाड़ पर रहते हैं लेकिन उनकी जिंदगी हलकान हो गई है। अगर कोर्ट का फैसला हमारे हक में नहीं आया तो मुआवजा लेकर उन्हें वो जगह खाली करनी पड़ेगी, कुत्ते के सामने रोटी फेंकने जैसा। इन्हें कहीं और बसने के लिए कहा जाएगा। अनजान जगह पे वो कैसे जिएंगे? तालाब की मछली समंदर में कैसे जी सकती है? उनके लिए आखिरी उम्मीद है कि मैं उन्हें बचा लूंगा। कल अगर कुछ गलत हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। पापा किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? समझ लीजिए वो रिसॉर्ट नहीं बना पाएंगे, हम उस जमीन को वापस लेके रहेंगे, ठीक है ना? मैं सब संभाल लूंगा। मैंने गोवा में कई गुंडों को झेला है। चलिए आप कुछ खा लीजिए। नहीं श्रवण, तुम लोग खा लो। पापा मैंने दीदी से शर्त लगाई थी कि मैं आपको खाने पर लेकर आऊंगा, मेरी वैसे ही रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आप नहीं चले ना तो मेरी तरफ देखेगी भी नहीं, आपके पैर पड़ता हूं पापा। चलो खाते हैं। किसी ने कहा था कि पापा खाने के लिए नहीं आएंगे, पापा आ गए। खाना रेडी है ना? पापा हाँ, मेरी तरह आप भी टैटू बनवा लीजिए। दूंगा एक खींच के। इस उम्र में टैटू शैटू? और सुना है कि बनवाते वक्त बहुत दर्द होता है। कुछ नहीं होता पापा, बस एक दारू लगा के बैठ जाइए। कैसा बेटा, बाप को शराबी बनाना चाहता है, बताओ। ए सुतली बम, क्या है? इधर आ। जब स्कूल नहीं है तो तू किधर जा रहा है? दादी को स्लेट देना है। तो तू हथियार सप्लाई करता है, इधर दे। बैग में क्या है? उतार, इधर दे। मैंने उसी दिन टीचर को कहा था कि तुम चोर हो, लेकिन वो नहीं मानी। ए ठीक है, ये खट्टी इमली है, इसको बहुत पसंद है, गिफ्ट देना है मुझे। तुम इसको गिफ्ट क्यों देगा? बताता हूँ, लेकिन तू कसम का किसी को बताएगा नहीं। नीचे आ। माँ, कैसी रही? आओ, काटो। अरे केक काटो।
ये लो। बदमाश कहीं के नाचोगे नहीं? दीदी, हैप्पी बर्थडे। क्या है भाई? हमारे पुराने घर के पास एक पेड़ था ना, वहां से लाया हूं खास तुम्हारे लिए। अरे ये तो मैं। भाई हाँ, सामने देखो। दादी ये देखो। अब मैं आओ दीदी। अरे नहीं, अरे आओ ना, आजा 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 आजा, नाचो ना। दादी को भी पता लिया। घर में अगर ऐसा माहौल हो। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बिना बताए बहन की शादी कर रहा है। उसका बर्थडे है, आपने पी रखी है क्या? वो आ रही है। आइए आइए जीवानंद साहब। सर नमस्ते, आप से मिलने आया था। सच में? बेटा तुम जाओ, मैं बात कर लेता। आइए। हाँ जी सर। बड़े खुशगवार मौके पर आया, नाच गाना, आप सब बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ, ईश्वर की कृपा से हम सब बहुत खुश हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक नहीं है सर। क्या जीवानंद, पुलिस वाले हो क्या, ऐसी बातें कर रहे हैं? पुलिस वाला हूँ इसीलिए तो प्रॉब्लम है, अगर अपराधी होता तो खूब पैसे बना रहा होता। थोड़ा खुल के बताओ क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्प कर सकते हैं? इस काम के लिए जितना तय हुआ था उतना तो मैं दे चुका हूँ। हाँ पक्के जेंटलमैन, वादा पूरा किया। अपने खोए हुए बेटे के तौर पर एक आदमी मांगा था, मैंने तुरंत दे दिया। पर विक्की को श्रवण बनाने के लिए डीएनए टेस्ट में जो हेरा फेरी करनी पड़ी उसमें बहुत पैसे लग गए। आपका यहाँ का इंस्पेक्टर करण, उसने बहुत सारे प्रूफ मांगे, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़े, उसमें बहुत पैसा लग गया। उम्मीद करता हूं आप दोबारा अपनी शक्ल दिखाओगे नहीं। अगर अब तुमने मुझसे चालाकी की तो आगे तुम जानते हो। थैंक यू सर। सर आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, अगर आपका असली बेटा लौटा है तब क्या करेंगे आप? लेकिन अभी तक तो लौटा नहीं, और लौटने के लिए 15 साल नहीं लगते। थैंक यू सर। अरे तू टेंशन मत ले, उसे पूरा विश्वास है तेरे पर। मेरी बात याद है ना, चलाता आप बताइए, मैं आता हूं सर। आप बैठिए।
जंगल के बीच ये कौन सी जगह है? ये हमारा गांव है और वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है। नमस्ते बिटिया, अब ठाकुर साहब कैसे हैं? अच्छे हैं। सुना था कि वो बीमार हो गए थे। अब चिंता नहीं, उनसे कहना कि मैंने याद किया था। अच्छा, मैं इनका भाई हूं। अरे आपको कौन नहीं जानता। माधुरी दीदी। अरे आप सबके नाम कैसे याद है? सबको पर्सनली जानती हो? 14 साल से मैं इन लोगों के साथ हूँ। तुम्हारे जाने के बाद साल भर घर में ही थी। पापा मुझे यहाँ लेकर आए। जब मैंने इनकी प्रॉब्लम्स देखी तो लगा कि मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। तुम तो इस तरफ आते ही नहीं। हाँ, काम में थोड़ा बिजी हो गई थी। वो बदमाश कहाँ है, दिख नहीं रहा। तो था। ए चिंटू इधर आ। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। तो तू यहाँ रहता है? हाँ बे। ये तो हरदम मस्ती करता रहता है। सुबह जंगल जाता है तो शाम को ही लौटता है। स्कूल जाता है तभी शांति रहती है। सिर्फ आप ही की सुनता है, जरा समझाइए ना। चलाओ। अच्छा तुम जाओ, 5 बजे गाड़ी भिजवा देना। मैं खुद आ जाऊंगा। तुम्हारा पति अभी भी शराब पीता है? जब से आपने समझाया ना, पीना छोड़ दिया है। लॉरी का नंबर देखा था क्या? नहीं देखा। उस लॉरी पे कुछ लिखा हुआ था? वो सब देखने का टाइम नहीं था। सच में तुम्हें वो लॉरी मारने आई थी क्या? हाँ, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे हमदर्दी कमाने आए हो? ऐसा क्यों बोल रहा है भोंदू? मुझे भोंदू बोला तो खाल उधेड़ लूंगा। मैं बताता हूं असल में क्या हुआ होगा। तूने खुद गाड़ी खाई में गिराई और अब मेरे पास आकर मुझसे कह रहा है कि कोई तुझे मारना चाहता है। तुझे लगता है कि इससे मेरा शक मर जाएगा कि अरे बाप रे मेरा दोस्त मुसीबत में है? तुझे लगा होगा मैं तुझे बचाने आऊंगा। हाँ, तू इस शहर में वापस क्यों आया है मैं सब समझता हूं। तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है बेटे, फंसने वाला है तू। चल भाग यहां से। अपना काम निकालने के लिए वो किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं। हमें उनसे निपटने के लिए उनसे एक कदम आगे रहना होगा। ठीक है, मैं फोन करता हूं। तू ठीक तो है ना? मैं तो डरी गई थी। मैं ठीक हूं मां, जरा सी चोट लगी है। वो रिजॉर्ट वाले बिल्डर की हिम्मत बहुत बढ़ गई है श्रवण। काफी दिनों से वह गांव वालों को परेशान कर रहा है, अब उनके निशाने पर हमारा परिवार। भूल जाना पापा, वो क्या करे श्रवण। आज उसने मेरे बेटे पर हाथ डाला, अगर उसे छोड़ दिया तो लोगों का हम पर से भरोसा उठ जाएगा। अब तू सब कुछ करने के लिए आजाद है। पापा, क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? श्रवण को आपके पॉलिटिक्स से दूर रखिए। ऐसी घटनाएं पॉलिटिक्स में होती रहती हैं। पापा, दीदी, पापा को इससे निपटने दो। हम उससे डर कर नहीं बैठ सकते हैं। नहीं का मतलब नहीं। ये सब हम अपने परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। पापा, क्यों आप? दीदी टेंशन क्यों ले रही हो? चुप रहे, तू नहीं समझेगा ये सब। पापा, श्रवण से फिर कभी इस पॉलिटिक्स की बात करिएगा भी मत। आप और आपके पॉलिटिक्स की वजह से इसकी जिंदगी खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। तू अंदर जा, कहा ना अंदर जा।
नमस्कार, मैं मणिशंकर, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ सर, मुझे दोबारा शक्ल तो नहीं दिखानी थी, पर एक बार तो मिलना ही पड़ेगा। कहाँ? आप यहाँ कैसे? कार कहाँ है? शॉर्टकट से आया। यस आई नो, आप हमेशा शॉर्टकट में बिलीव करते हैं। पियेंगे क्या? पॉइंट पर आओ। थैंक यू सर, तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारी बेटी अपने भाई को भूल नहीं पाई है और उसने शादी करने से मना कर दिया, तो तुम्हें उसके लिए एक छोटा भाई चाहिए। उतना तो मैंने कर दिया। फिर तुमने कहा कि उसकी शादी हो जाने के बाद तुम सब लोगों को बता दोगे कि वो गहना पैसा चुराकर भाग गया। मैंने भरोसा कर लिया, लेकिन दो दिन पहले जब मैं ऑपोजिशन लीडर मणिशंकर से मिला था। हाँ, फिक्र मत करो, अभी तक कुछ नहीं बताया है। पर उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। तब जाके मेरी समझ में आया कि ये सर तुम्हारी बेटी की शादी की बात नहीं है। 15 साल पहले लोगों को एक ऐसे बाप से हमदर्दी हुई जिसका बेटा खो गया, और उन्होंने खूब वोट देकर तुम्हें जिताया था। उसी हमदर्दी का बार बार फायदा उठाकर तुम 3 बार MLA बने। लेकिन अब लोगों को यह समझ में आने लगा कि जो अपने बेटे को नहीं संभाल सका वो उन लोगों को क्या संभालेगा। इस बात से तुम्हारी इमेज खतरे में पड़ गई और तुम डरने लगे कि इस बार तुम इलेक्शन हार जाओगे। तब तुमने एक सड़ेला प्लान सोचा। अगर तुम्हारा खोया हुआ बेटा वापस आ जाए तो तुम्हें एक राजनीतिक वारिस मिल जाएगा, लोग तुम्हें वोट देंगे, तुम इलेक्शन फिर जीत जाओगे और अपनी लड़की की शादी भी कर दोगे। तुमने मुझसे 2 काम कराए, गधा समझ रहे हो तुम? अब कितना चाहिए? बार बार आके पैसे मांगना, इट्स नॉट कंफर्टेबल टू मी। 1 time settlement, 2 crores, ये कमी है, फिर भी दोस्ती के नाते छूट दे दी मैंने। डील ओके? करोड़? यस। करोड़? चल 2 लाख दे देता हूं, लेके दफा हो जा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ठीक है, तुम जाओ। मणिशंकर को मैंने बुलाया है, अगर हमारी डील हो जाती तो मैं उसे खिला पिलाकर गुड बाय कह देता, बट अब तो पोल खोलनी पड़ेगी। तेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि मेरे लोग मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। आप हैं एक खराब पॉलिटिशियन और मैं एक स्मार्ट पुलिस ऑफिसर। विक्की के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, हमारी टेलीफोनिक बातचीत, सारे रिकॉर्ड्स हैं। मणिशंकर आ गया है, अब तुम कट लो। तेरी कमीनगी मुझे पता है, तूने मुझे क्या समझा था, मैं बेवकूफ हूं? जीवानंद जी, जीवानंद जी, इस रास्ते से कोई गाड़ी गई है? सर, इधर से कोई कार नहीं गई है, ये रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, बिना परमिशन कोई नहीं जा सकता। सर डिक्की ओपन कीजिए। अरे तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सर, सब गाड़ियाँ चेक करनी पड़ती हैं। प्लीज डिक्की खोलिए। हाँ, ठीक है, खोलता हूँ। अरे क्या क्या है? ए, सर ये क्या कर दिया आपने? मैंने कसम से मैं इसे नहीं जानता।
पता नहीं ये कहां से मेरी कार में आ गया, मैं सच बोल रहा हूं। ए? तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अरे रे 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 रे। आज सुबह ही तो मेरी फोन पर बात हुई थी कि वो गोवा वापस जा रहा है और हमें उसने वहां आने का न्योता दिया था। अंकल आपने उन्हें आखिरी बार कब देखा? अभी अभी, मतलब पार्वती के बर्थडे के दिन। मणिशंकर से उसका क्या लेना देना था, वो उसे क्यों मारेगा? यही तो समझ नहीं आ रहा, हो सकता है उसे किसी और ने मारा हो। नहीं नहीं नहीं, मणिशंकर उस टाइप का आदमी है, लेकिन मर्डर ऑर्डर करने की हिम्मत उसमें नहीं है। अच्छा तुमने आखिरी बार उसे कब देखा था? पापा ने बताया ना, दीदी के बर्थडे पर। मतलब जब से वो यहाँ आए उन्होंने तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट नहीं किया? किया था, गोवा के केस में मेरा नाम है इसलिए। आज किया था? तो वो यहाँ आने के बाद कहाँ रुके थे, क्या किया था, तुम्हें उस बारे में कुछ नहीं पता? हाँ कादिर बोलो ना। मणिशंकर ने कबूल किया है कि वो जीवानंद को जानता है। अच्छा, और आज सुबह वो उससे मिलने भी गया था एक रिसोर्ट में। कौन सा? प्रिस्टीन वैली। प्रिस्टीन वैली? या के इंस्पेक्टर करण को शक हो रहा है तुझ पर, तेरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, अगर ये दिखा दूं तो तेरा बैकअप। हाँ मैं वहीं आता हूँ। यस सर। अंकल जीवानंद कहाँ रुका था पता लग गया है, मैं वहां जाके आता हूँ। हाँ बेटा बिल्कुल, ख्याल रखिए। ठीक है। अच्छा भला आदमी था, आजकल किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं रहा। ये प्रिस्टीन वैली कैसे जाएंगे? आगे से बाएं। इधर से एग्जिट लेना। हाय करण, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मालूम नहीं था कि जीवानंद कहाँ ठहरा है। तुमने ही तो फोन पर प्रिस्टीन वैली का नाम लिया था। हाँ कहा तो था, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीवानंद सर को मैं सालों से जानता था, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, वही तो मुझे अपने घर लेकर आए। तुमसे ज़्यादा मैं उन्हें जानता था, मुझे लगा मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। बस इतनी सी बात है ना, कहीं कोई सबूत मिटाने तो नहीं आया? ओए इस मर्डर में तुझे मुझ पर शक है क्या? मैं सारा दिन घर पर था, तुम माँ से पूछ लो। जीवानंद की मौत आज हुई है, तुझे कैसे पता? तुझे पुलिस में किसने भर्ती कर लिया बे? अरे पापा ने कहा था ना कि जीवानंद ने आज फोन किया था। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं चला जाता। अब इतनी मेहनत करके आए तो अंदर आ जा। पूरे घर की तलाशी लो। ओके okay, कुछ okay. भी छूटना नहीं चाहिए। यस सर। ये पुलिस का काम है, वो लोग संभाल लेंगे। मणिशंकर ने उसका खून क्यों किया होगा? मुझे क्या पता, पर तुम्हें तो वो बेकसूर लगता है ना। हाँ पर क्या करूं, सारे सबूत मणिशंकर के खिलाफ हैं। मणिशंकर से पूछताछ की तो उसने बताया कि जीवानंद ने उसे यहाँ किसी जरूरी बात के लिए बुलाया था, पर जब वो आया तो यहाँ कोई नहीं था, बस फर्श पर यह खून मिला, और उसी समय उसने यहाँ से ग्रे कार को जाते हुए देखा। उसका नंबर, मॉडल वो ठीक से देख नहीं पाया, यानी कि उसके आने से पहले
यहाँ कोई और भी आया था। वैसे तुम्हारे घर में भी ग्रे कलर की गाड़ी है ना? हाँ बे, मैंने ही खून किया है। उसने कहानी थी और तुमने मान ली। ऐसा है तो उसने जीवानंद को पहचानने से इनकार क्यों किया? जब लोग डर जाते हैं तो ऐसे ही हड़बड़ाने लगते हैं। हाँ, अपनी कार की डिक्की में लाश देखकर डर के मारे उसने ऐसा कह दिया होगा। इट्स क्वाइट नेचुरल। सर, हाँ, ये देखिए तो क्या है। हाँ, क्या मिला? सब्जी, यहाँ कैश है। मुझे सुनो साहब, ग्लव्स कहाँ हैं? गाड़ी के अंदर है सर। जरा लेकर आओ। लेके आता हूँ। अगर ये दिखा दूँ तो तेरा पैकअप। फाइल कहां गई? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ, क्या बात है? बाबूजी नहीं है क्या? फोन भी ट्राई किया, नहीं लग रहा है। वो दोनों शहर गए हैं, वहां से फ्लाइट लेनी है। क्यों, क्या हुआ? बात ये है कि बताइए ना। बोल। अरे आप लोग शांति रखिए, जाइए आराम। क्या हो गया? आराम से बताइए। क्या हुआ? तुमने जो तारों में बिजली दौड़ाई है उसी बिजली से हमारा बच्चा मरा है। जरा आप शांत रहिए, बेकार की बातें मत कीजिए। इस फेंस में वोल्टेज बहुत कम रखी गई है, इसे छू के कोई जानवर या इंसान नहीं मर सकता। नहीं, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। बिजली तेज है उन तारों में, हमारे बच्चे की जान हमारी आंखों के सामने गई है। क्या बात करते हो? आखिर कब तक तुम लोग इनकी जिंदगी से खेलते रहोगे? मैडम, हमने कुछ नहीं किया है, आप खामखा इल्जाम लगा रही हैं। सर बोलिए ना। आप चाहती हैं तो खुद छूकर देख लीजिए, नहीं तो मेरा आदमी छू लेगा। तुम इन्हें यहाँ से भगाने के लिए क्या क्या कर सकते हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अपनी प्रॉपर्टी पे फेंस लगाना गलत बात है। 10 साल पहले लोगों को घूस खिलाकर नकली पेपर बनवा लिए तो जमीन तुम्हारी हो गई। ये तो तुम्हें पता चल जाएगा जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा, इंतजार करना। जिस कोर्ट में चाहो चले जाओ, तुम इन लोगों से ये जमीन खाली नहीं करा सकते, ये लोग यहीं रहेंगे। बहुत हो गया, इन लोगों को भड़काने की कोशिश मत करो, अपनी हद में रहो। किसी हद में रहने के लिए कह रहा है? हाँ, क्या कर लेगा तू? दीदी को हाथ लगाएगा। दीदी को लेकर जाओ। हाँ, चलिए चलिए। तुम भाई बहन मिलकर भड़का रहे हो, ए मारो इसे। दीदी हमारे साथ चलिए।
कौन है? सो गए थे? नहीं, आओ ना दीदी। क्या बात है दीदी? चिंटू की याद आ रही थी। जब मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूं तो आपके लिए तो और मुश्किल होगा ना। इस पूरे घर में मेरी खुशी, मेरा चैन वही तो था। उसे मेरी हर पसंद ना पसंद सब मालूम था। दीदी आप रोइए मत प्लीज। सॉरी, वहां पर तुमने लड़ाई क्यों की? उसने तुम पर हाथ उठाया था तो अचानक मुझे गुस्सा आ गया, कंट्रोल ही नहीं हुआ। गुस्सा, वही गुस्सा अब भी है, पर इस बार वो कुछ अलग तरह का है। ऐसा प्यार मैंने पहले वाले श्रवण में नहीं देखा। उसे किसी की फिक्र नहीं थी, वो बहुत ही चिड़चिड़ा था, लेकिन अब तुम सबके चेहरे पर खुशी लाने की पूरी कोशिश करते हो। तुम बहुत समझदार हो। गोवा में तुमने बहुत दुख झेले। वहां मैं किसी को नहीं जानता था, एक अनाथ की तरह था। दुख और सुख क्या होता है मुझे नहीं पता था। जब भूख सताती तब पैसे नहीं होते थे, मुझे मां बाप की कमी खलती थी। मुझे समझ में आने लगा था कि सिर्फ घर के लोग ही आपकी चिंता करते हैं और कोई नहीं करता। मैं भूख बर्दाश्त कर सकता था पर अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे लगता पैसा सब कुछ है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था, किसी को भी धोखा दे सकता था। अच्छा बुरा सब मेरे लिए बराबर था। पर यहां के मुझे एहसास हुआ कि अच्छाई के असली मायने क्या होते हैं। मुझे अपने किए पर अब बहुत शर्म आती है। छोड़ो भी, हम सब हालात के गुलाम हैं। प्यार ही सबको बदल देता है, तुम्हें भी और मुझे भी। बजरंगबली के यहां की है, कलाई लाओ। 15 सालों से इसे मैंने संभाल कर रखा था, अब तुम आ गए हो ना तो बांध दिया। ओके, सो जाओ। ठीक है दीदी। ए थकेले हीरो, क्या पश्चाताप हो रहा है? वो मुझ पर भरोसा करने लगे हैं। तो अब क्या करेगा? दीदी मुझे माफ कर देना, मैं आपका भाई नहीं हूं।
मैं वो चोर हूं जो श्रवण बनकर आया है। आपने जो प्यार मुझ पर जताया मैं उसके काबिल नहीं हूं। मैं ये नाटक अब और नहीं कर सकता। मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। विकी, आप सबको बताना चाहती थी ना कि मैं आपका पोता नहीं हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप यह सच सबको बता दें, क्योंकि यह बताने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं नहीं जानता था कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा दादी। तीन लोग उधर भागे। अरे मुखिया देख रहे हो, पकड़ा उन्हें। श्रवण, वो लोग कौन थे? पता नहीं कौन थे। श्रवण कहाँ है? कहाँ गया वो? बेटा श्रवण। मैं ठीक हूँ माँ। कौन थे वो लोग? हुआ तो नहीं लगता है, चोर थे। क्या हो गया? शुक्र है किसी को कुछ हुआ नहीं।
चोर होंगे, घबराओ मत। एक काम करो, कमरे में जाओ और देखो घर में से कुछ गायब तो नहीं हुआ है। यहाँ हम तीनों मिलकर संभाल लेंगे। जाके ठीक से देख लीजिए। अरे तुम जाओ, हमें अपना काम करने दो। अंकल आप कंप्लेंट दर्ज कराओ, बाकी मैं देखता हूँ ना। तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो घबरा ही गई। आवाज सुन के बाहर आई थी। हिम्मत के इस घर में से निकल गए। चोरी के बोले सब कौन लोग थे? दादी, दादी, अरे दादी क्या हो गया? माँ, दादी, दादी, दादी क्या हुआ? क्या क्या हुआ? अरे उठाओ ने, उठाओ धीरे, जल्दी करो, संभल कर, आराम से, आराम से हुआ? दादी, दादी क्या हुआ? हाँ, आराम से, दादी आप ठीक तो है ना? दादी, ठीक है, उठाओ, चलो, दादी आप ठीक है ना? अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे उठाओ, दादी आजा, आराम से, आराम से, उठो, 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 आराम से, कुछ, कुछ, दादी थोड़ा जोर लगाइए, बैठ जाइए, संभल कर। पैर देखो, ठीक हो ना दादी? क्या हो गया था आपको? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, पानी पानी लेकर आया, पिया है। इतना तो तय है कि वो चोरी करने नहीं आए थे बल्कि हमें मारने ही आए थे। मणिशंकर अगर जेल में है तो कौन? नहीं विधायक जी, मणिशंकर कल ही जेल से छूटा है। आप ही की वजह से जमीन की डील रुकी हुई है। पैसों के लिए वो कुछ भी करेगा। अगर हमने उसे छोड़ दिया तो वह हम सबको मार देगा। मणिशंकर, श्रवण आ जा। तुझसे अकेले में बात करनी है। तू कैसा? सुना नहीं? चुन्नू को अंदर ले जाओ। जी। तू मेरे बाप को मारेगा, तेरी इतनी हिम्मत? वहीं रुक जाओ, कोई आगे नहीं आएगा, जाओ। बच्चे को अंदर ले जाओ। कहाँ ना अंदर लेकर जाओ? बात से पहले हाथ उठाने की तेरी आदत नहीं बदली है ना? मैं कातिल हूं? बढ़िया, क्या दोस्ती निभाई? मैं तुम्हारी फैमिली को मारना चाहता हूं है ना? गोवा के पुलिस वाले को भी मैंने ही मारा, सही कहा? अरे पुलिस क्या, मैंने तुझे भी मार डाला। अब बोल, तेरी फैमिली को क्यों नहीं मारा? तू जिंदा कैसे है श्रवण? तुम्हें सब पर यकीन है लेकिन अपने दोस्त पर नहीं? चल तू मार, मारना, सब सहलूंगा मैं, पर तू एक बात बता, क्या मैंने तुझे शराब पिलाई? क्या मैंने तुझे ड्रग्स दिलवाई? ड्रग्स के लिए नशेड़ी दोस्तों के साथ उनके पीछे पीछे भागता था तो कौन रुकता था? मैं, तेरा दोस्त, नशा में यूं सड़क पर पड़ा रहता था तो घर कौन पहुंचाता था? मैं तेरा दोस्त। उस रात बाइक लेकर तू आया था, कह रहा था सैर के लिए जाएंगे, तब कितना गिड़गिड़ाया था मैं, कह रहा था मत जा। उस रात तेरे सिर पर मार कर मैंने बस एक गलती की थी, उस लॉरी पर छोड़कर भाग गया, पुलिस की वजह से डर गया था, बस वही एक गलती की मैंने, और कोई गलती नहीं की। जब मैंने सुना कि तुम आए हो तो मुझसे रहा नहीं गया, भागा भागा तुमसे मिलने के लिए चला है। इतने साल तक न जाने वो कितनी गालियां देते रहे। गंजेड़ी तू था, अब मैं कातिल। तूने मेरा बेटा देखा है? पता है अब दुनिया उसे क्या कहेगी? कातिल का बेटा। मैं इलेक्शन हार गया, जिंदगी हार गया और बहुत कुछ हार गया, लेकिन दोस्ती उस पर दाग नहीं लगने दिया, दोस्ती को जिंदा रखा, समझे? अगर सच कहूं तो तू ही मेरी दोस्ती के लायक नहीं है। मणिशंकर मैम, क्यों डर गया? मुझे अपनी चिंता नहीं, पर इस घर पर मुसीबत नहीं आनी चाहिए, मुझे यहीं रहना होगा।
एक बार सोच ले, ये फैमिली मुसीबत में है या श्रवण? किसी को श्रवण का वापस लौटना खल गया भाई। 15 साल पहले श्रवण कहाँ गायब हो गया था और उसके लौटने के बाद उसे जान से मारने की कोशिश क्यों होने लगी? इसका आपस में कोई तो संबंध है। अब पता करके उसके साथ हुआ क्या था गोचू। अच्छा माँ, मेरे खोने के दिन क्या हुआ था? क्यों पूछ रहे हो ये सब? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, बताओ ना माँ। तुम छोटे से थे और हमारी बात कभी नहीं मानते थे। उस दिन तुम्हारा बर्थडे था, तुमने अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए पैसे मांगे। हमने वो देने से मना कर दिया तो तुमने अलमारी तोड़ दी और उसमें। उस दिन जब आप घर से लड़कर मणिशंकर के साथ गए थे तब मैं वहीं था। मणिशंकर मेरे साथ था क्या? उस समय तो नहीं था। आपको कैसे पता? जब आप और मणिशंकर बाइक से जा रहे थे तो सुरेश ने देखा था आपको। इतना पुराना बात के बारे में काहे पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही, सुरेश कहाँ मिलेगा? 15 साल पहले मैंने तुम्हें ओखला रोड पर जाते देखा था, उस बाइक पर तुम और मणिशंकर थे। हम ओखला जा रहे थे या वहां से आ रहे थे? मैं माल लेकर ओखला से वापस आ रहा था, मतलब तुम दोनों ओखला जा रहे थे। उस समय इलेक्शन का टाइम था, मैं तब बहुत बिजी था। मुझे ये संजना से पता चला था, शायद तुम्हारे जन्मदिन के लिए वो तुमसे मिलने तुम्हारे घर गई थी। यही हुआ था, उस दिन तुम्हारा बर्थडे था। रात को 12 बजे तुम्हें विश करने के लिए तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी मैं। पर तुम तो कहीं और ही थे। नाराज तो मैं बहुत थी लेकिन फिर भी तुमसे अगले दिन मिलने आई। तुमसे तो नहीं मिल पाई पर अंकल और ड्राइवर जरूर थे। अंकल, श्रवण लौटा नहीं क्या? वो कल रात से ही नहीं लौटा। पार्वती और पद्मा भी माँ के साथ हॉस्पिटल में है। दादी को क्या हुआ? लापरवाह है ना, गिर पड़ी और क्या। मैं श्रवण को ढूंढने जा रहा हूँ। अंकल बहुत टेंशन में थे और तुम्हें ढूंढने गाड़ी में निकल ही रहे थे। राजू काका। हाँ बेटा। जिस दिन मैं खोया था, हाँ, मैंने सुना मुझे खोजने के लिए पापा कार से निकले थे। सही बोला। आप साथ क्यों नहीं गए? उसी दिन तुम्हारी दादी की हड्डी टूट गई थी, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल भेज दिया था। मालिक, मालिक लाइए मैं चलाता हूँ। नहीं, पार्वती और पद्मा दादी के साथ हॉस्पिटल गई। हाँ जी, तुम उनकी मदद करो, मैं गाड़ी चलाऊंगा। अंकल, तुम्हारे पिताजी दिन रात तुम्हें खोजते रहे बेटा। पर आप तो हॉस्पिटल में थे। हाँ, तो आपको कैसे पता चला कि वो रात में भी खोज रहे थे? रात में मैं गांव लौट आया था, कोई आधी रात होगी, मैं पेशाब के लिए बाहर आया था, उसी टाइम पे मैंने तुम्हारे पापा को तुम्हें खोजते हुए देखा। पंद्रह साल बाद लौटे श्रवण को कोई क्यों मारना चाहेगा? उसकी मौत से किसको फायदा है? इस एक्सीडेंट की जगह के आसपास कोई तो सुराग होना चाहिए। सर, लास्ट मंथ की 25 तारीख की सीसीटीवी फुटेज देखनी थी। डेट करेक्ट है। फॉरवर्ड सर, फॉरवर्ड। हाँ, एक मिनट, थोड़ा पीछे पीछे पीछे, होल्ड, जूम कीजिए। TN42Y7275। क्या हुआ साहब? कुमार साहब ने बताया था गाड़ी गैराज में खड़ी है, देखने को बोला था। अच्छा, डंपर खरीदने आए हो? हाँ। ड्राइवर कहाँ है? अरे यहीं कहीं होना चाहिए। ए गगन, क्या हुआ? तेरा डंपर कोई खरीदने आया है। ए ये पकड़। क्या हुआ सर? डंपर खरीद। तू तो ए रुक, ए रुक। भैया यही है वो। ओ, एक्सीडेंट केस है ये। भैया इस बार ये नहीं बचेगा। Oh!
बता किसने भेजा था? मैंने कहा था ना कि मैं एक दिन हमलावर को खोज निकालूंगा। यह है वो। ये तो क्या बकवास कर रहा है? तू नहीं जानता। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? संजना तुम अंदर जाओ। मैंने तुझे मारने की कोशिश की या तूने पैसे के लिए अपनी फैमिली को मारने की कोशिश की? झूठ बोलता है। पहले मुझ पर हमला किया, अब पापा पर हमला करके मुझे फंसाना चाहता है। बस कर। करण तू क्या नाप शनाप बक रहा है? अबे तू खुद फ्रॉड है और मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। लॉरी ड्राइवर गगन को जानता है? कौन है बे गगन? और प्रीतम को? करण इस ड्रामेबाज को यहाँ से लेकर जाओ। हाथ हटा। ये उस लॉरी का ड्राइवर, ये उस रात घर में घुसा था। अंकल आप इन दोनों को जानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ए, सच्चाई बता। सर मैं सच बोलता हूँ सर, ये जबरदस्ती हमें मार पीट कर हमसे बुलवाना चाहता है कि हम सुधाकर को जानते हैं। असल में सुधाकर को तो जानते नहीं सर। हम ये करण ये झूठ बोल रहा है। करण निकल यहाँ से। झूठ बोल रहा है करण। अबे झूठ बोल रहा है। चल बाहर निकल। बाहर निकल। पापा श्रवण, ए देख ले। अब समझ में आया असली मुजरिम कौन है? फोन निकाल और देख। श्रवण जो कह रहा है वो सही है क्या? ऐसा करने की क्या जरूरत थी बताइए मुझे। विधायक जी के बाद मुझे ही एमएलए का टिकट मिलने वाला था, पर ये पता नहीं कहां से आ गया उनका नालायक वारिस। मैं जिंदगी भर ब्लॉक प्रमुख ही रह गया। ये परिवारवाद भी एक अभिशाप है बेटी। अब यकीन हुआ? देख श्रवण संजना अंकल पुलिस स्टेशन चलिए। सॉरी संजना, ये सब होगा मैंने सोचा नहीं था। नहीं सॉरी, तो मुझे बोलना चाहिए। संजना यहाँ अकेले मत रहो, मेरे घर आ जाओ। इट्स ओके,
I'll be fine. थोड़ी देर अकेले रहने दो. श्रवण, ये कीचे नहीं आते तुझे? तेरी बाइक की कीचेन है, आखिरी गिफ्ट जो तुझे दी थी. तेरे बर्थडे वाले दिन जब तेरे घर गई थी और तू नहीं मिला, मुझे बहुत गुस्सा आया. मैंने सोचा इसे ले जाती हूँ ताकि तू इसे लेने मेरे पास आए, लेकिन तू तो आया ही नहीं, बल्कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट वापस ले लिया. तो तू तो हमेशा के लिए दूर चला गया. ऐसा लगता है अगर ये मेरे पास रहा तो तू जिंदगी में मुझे कभी नहीं मिलेगा. इसलिए इसे तेरे पास रहने दे, क्योंकि तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है. अरे श्रवण, आना. श्रवण नहीं, विक्की. श्रवण तो बहुत पहले ही चला गया. गैला मतलब गायब नहीं हुआ, टपक गया. अगर ये आप नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूं. श्रवण के पापा बहुत बिजी पॉलिटिशियन थे. इतने ज्यादा बिजी थे कि उनको पॉलिटिक्स के नशे में यह भी नहीं पता चला कि उनका बेटा ड्रग्स का गुलाम हो गया. श्रवण की सालगिरह के दिन उसने घर पर झगड़ा किया और ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे और गहने लेकर भाग गया. उस रात के बाद वो 15 साल तक अपने घर नहीं लौटा. गांव वाले और घर वाले इसी को सच मानते हैं, पर यह सच नहीं था, क्योंकि वो उस रात वापस आया था और ये बात सिर्फ उसका बाप जानता था. बाप के सामने वो नशे में चूर खड़ा था. कहाँ गया था तू? बूढ़ी मां को धक्का देने की ने बेटे को मार दिया. इलेक्शन नजदीक थे, बात खुल न जाए इससे वो डर गया. पावर की भूख बड़ी थी. तब वो एक पॉलिटिशियन से क्रिमिनल में बदल गया. को कार की डिक्की में डाला ही था कि वहां ड्राइवर और संजना आ गए. उनसे निपट कर वो कभी इस जगह कभी उस जगह अपने बेटे को खोजने के बहाने लाश को छुपाने की जगह ढूंढता रहा. आखिर में उसने लाश जंगल में गाड़ दी. उसे अपने बेटे की मौत का कोई पछतावा नहीं था. उसने अपने बेटे के खो जाने की कहानी बनाई. गांव वालों ने यकीन कर लिया, लोगों की हमदर्दी मिली और वो इलेक्शन जीत गया. सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था. फिर अचानक एक दिन कुछ और लोग कहानी में आ गए. रिसॉर्ट का बंबू वहीं पर गड़. अगर वो खोदते तो उसके बेटे का कंकाल मिलता और वो पकड़ा जाता. तो उसने गरीबों का बहाना बनाकर कोर्ट में केस करके रिसॉर्ट का काम रुकवा दिया. जैसे ही उसे लगा कि बिल्डर के हक में फैसला आ सकता है, तो उसने गोवा से विकी नाम के एक अनाथ का इंतजाम किया जिसे वो अपना बेटा दिखा सके. अगर उन्हें बॉडी मिल भी जाए तो कह देगा कि उसका बेटा तो जिंदा है. कितने दाव पे जानते हैं आप? आपको तो दिल्ली में होना चाहिए था. आपकी किस्मत खराब है जो आप इस छोटी जगह पर अटके हैं. और तो और, आपको मालूम था जैसे आप बेटा बना रहे हैं वो क्रिमिनल है और आप जानते थे कि वो ज्यादा दिन यहां नहीं रुकने वाला है. तो आपने उसे अपने सगे बच्चे की तरह अपना राजनीतिक वारिस बना दिया. इस तरह आपने अपने दुश्मन उसके दुश्मन बना दिए और उसे उकसाकर रिसॉर्ट वाले से लड़वा दिया. अब इस लड़ाई में ये मर जाता या वो मर जाता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. बढ़िया प्लान था आपका, बस एक गलती हो गई और वो ये. तो तू सब जान ही गया है ना? अब तो हमारे बीच सिर्फ एक चीज रह गई है,
और वो है सिर्फ बिजनेस डील। इसमें पूरे 2 करोड़ हैं और उसके साथ साथ तेरी पर्सनल डिटेल्स भी। जब तक तू मेरे लिए खतरा नहीं है तब तक मैं भी तेरे लिए खतरा नहीं हूं। धमकी दे रहा है मुझे? जो पॉलिटिकल फायदे के लिए सगे बेटे को मार सकता है वो कुछ भी कर सकता है। इस फैमिली को तुझसे बचाने के लिए मुझे अगर जेल बजाना पड़ा तो जाऊंगा पर तेरी वाट लगा दूंगा। श्रवण, फिर बाप पर हाथ उठाया? माफ करना मां, मैं श्रवण नहीं हूं। श्रवण इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारे पति ने उसे मार दिया। तुम जानती हो मुझे लगा था मैं ही तुम लोगों को धोखा दे रहा हूं मगर तुम मियां बीवी मिलके मुझे धोखा दे रहे थे। क्यों क्यों बताया मुझे? श्रवण कॉलर छोड़ो। उस रात माँ को दादी के साथ हॉस्पिटल में छोड़कर जब हम लोग घर पहुंचे तब पापा ने श्रवण की बाइक वहां खड़ी देखी। घर बंद होने की वजह से वो बरामदे में ही बैठा था। श्रवण! Hey! चुप कर! पापा, 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 ठीक तो है ना पापा? रोइए मत पापा, रोइए मत पापा, प्लीज पापा प्लीज रोइए मत। तुम दोनों की कुछ नहीं होगा। परवरिश में मैंने कोई कभी नहीं छोड़ी, फिर मुझसे क्या गलती हुई कि ऐसा नालायक पैदा हुआ? कल इसके प्रिंसिपल कह रही थी कि इसने स्कूल में किसी लड़की के साथ, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा बेटा। सब ठीक हो जाएगा पापा। श्रवण, तेरी हिम्मत कैसे हुई पापा पे हाथ उठाने की? उसने पहले मेरे पे हाथ। ये मुझे दे। इसी के नशे में ऐसा हो गया ना? चुप दे। बिल्कुल नहीं दूंगी। ये मुझे दे। नहीं दूंगी तुझे। चल। ए श्रवण। श्रवण। नहीं, पापा, मैंने इसे मार दिया, मैंने इसे मार दिया पापा। श्रवण। श्रवण। ए श्रवण। श्रवण। पापा, श्रवण कुछ नहीं किया। इससे पहले मेरा गला दबाया था। मैं इसे मारना नहीं चाहती थी। पता नहीं ये कैसे हो गया? नहीं, पता नहीं मुझसे कैसे हो गया? मैंने इसे मार दिया। मेरे अपने भाई को मार दिया। मैंने खून कर दिया। पापा, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुन। मैंने अपने भाई को मार दिया। वो मत कर बेटा। पार्वती, जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुन। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, पुलिस से, पुलिस से बेटा, पुलिस को मत बुला रहा बेटा, पुलिस को मत बुला। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी पापा। श्रवण, श्रवण, श्रवण को तूने पुलिस को बुलाइए, मैं जेल जाऊंगी। तूने श्रवण को नहीं मारा है पापा। श्रवण मरा नहीं है, मरा नहीं है। श्रवण घर से भाग गया है और वो कभी नहीं लौटेगा, कभी नहीं। अच्छा सुनो, सुनो बेटा, किसी को बताना मत कि ये नशा वशा करता था, ये लड़कियां छेड़ता था। अगर लोगों को पता चला तो हर कोई नहीं कहानी गढ़ कर हमें बदनाम करेगा। तेरा भविष्य, तेरी जिंदगी, हमारी इज्जत, सब खत्म, सब बर्बाद हो जाएगा। अब बस बस बेटा, तू हिम्मत हिम्मत रख बेटा। तेरा बाप है ना, मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ, वहाँ अपनी माँ की मदद कर, मैं यहाँ सब संभालूंगा। श्रवण, श्रवण कभी नहीं आएगा। श्रवण भाग गया, श्रवण कभी नहीं लौटेगा। अब सबको छोड़कर नाराज होकर चला गया। मैं नहीं चाहता था कि ये राज घर वालों के अलावा और कोई जाने, इसलिए मैंने ये सारे जुर्म किए। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन
मेरी बेटी की जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं। नहीं पापा, मैं दोबारा अपना भाई नहीं खोना चाहती। एक को छुपाने के लिए हमने कही जरूर की, बहुत हुआ। जो जुर्म मेरी बेटी से अनजाने में हुआ, पिछले 15 सालों से उसके लिए वो पछता रही है। लेकिन मैंने तो ये सारे गुनाह जानबूझकर किए हैं, उसकी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। प्लीज प्लीज बाबूजी। साहब जी बाहर आइए। सर, हमने ये केस जीत लिया है। अब ये जमीन हमारे गांव की हो गई है। अब कोई उस पर ना होटल बना सकता है और ना रिसोर्ट बना सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। भगवान भगवान आपका धन्यवाद। ऐसा छोटे साहब की वजह से है। कहाँ है वो? छोटे सरकार को बुलाइए ना, साहब जी उन्हें बुलाइए ना। ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। छोटे सरकार धन्यवाद। कहाँ जा रहे हो? मेरी कोई फैमिली तो है नहीं। ट्रेन जहां ले जाएगी वहां चला जाऊंगा। मैं तुमसे कैसे कहूं कि तुम यहीं पर रुक जाओ? जब से तुम यहां आए हो अपनी जान पर ही खेल रहे हो। यहां से चले जाओगे तभी सुखी रह पाओगे। ये जीना भी कोई जीना है? पता नहीं कि मैं कहां पैदा हुआ, फैमिली क्या होती है, पापा कौन है, माँ कौन है, और बहन का प्यार क्या होता है, वो तो यहीं आकर पता चला। बहुत बुरा आदमी हूं मैं। तो हम ही कौन से अच्छे लोग हैं? हमने भी इतना बड़ा जुर्म किया है, उसके बाद भी हम अच्छे बने हुए हैं। ऐसा मत कहो दीदी, मैं तो उधार का भाई बनकर आया था, पर जब चोट लगी तुम्ही ने मुझे संभाला। वो एक बुरा बेटा था और उसकी मौत एक हादसा भर थी। इस बात को दुनिया से छुपा के मैं समझ सकता हूं कि आप लोग कितने सदमे और पछतावे से गुजरे होंगे। परिवार की भलाई के लिए लोगों को कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। सुना है कि एक बड़ी बहन मां के बराबर होती है, इसे समझने के लिए छोटा भाई बनना पड़ता है। श्रवण इतना लकी नहीं था। सिर्फ माँ बाप एक होने से वो मेरा भाई नहीं बन जाता। मानो या ना मानो, जब से तुम आए हो ना, माँ पापा बहुत खुश हैं। हमें छोड़कर मत जाओ।
गए क्यों नहीं? टिकट के लिए पैसे नहीं। मैं देती हूँ ना। ऐसे बोलेगा तो चला जाऊंगा। ए चुप कर, ढंग से बैठ। घर पहुंचकर सबसे पहले नहा लेना, बदबू मार रहे हो। देखो दीदी, मेरी पहली कंडीशन है, मैं रोज नहीं नहाऊंगा, मुझे नहीं होता है। चलो ठीक है, हर दूसरे दिन नहा लेना। हाँ, मेरी दूसरी कंडीशन, हफ्ते में एक बार पीऊंगा। अच्छा ऐसा है, माँ से पूछ के बताओ। अरे नहीं नहीं, मैं चुपके से पी लूंगा। अच्छा मेरी तीसरी कंडीशन, तुम्हें जल्दी से शादी करनी होगी, नहीं तो मैं कैसे करूंगा? मेरी शादी से तेरी शादी का क्या लेना? जब तक बड़ों की शादी नहीं होगी छोटा कैसे करेगा? और फिर संजना का क्या कसूर है इसमें? देखो बात मान लो, नहीं तो मुझे वापस स्टेशन छोड़ दो।